स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं अपठित गद्यांश के बारे में। बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अपठित गद्यांश पूछे जाते हैं और बहुत लोग इनको करने में गलतियां करते हैं या बहुत ज़्यादा समय लगा देते हैं, जबकि ये उतना ज़्यादा समय खर्च नहीं करते हैं। तो इसको हल करने के संबंध में हम लोग कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ने वाले हैं। जैसे पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले उसे सही तरीके से पढ़ना चाहिए, सही तरीके से पढ़ना। सर्वप्रथम दिए गए गद्यांश को सही तरीके से पढ़कर उसके मूल भाव को समझ लेना चाहिए। किसको? मूल भाव को समझ लेना चाहिए कि वो किस बारे में है। क्या है, हम लोगों को लगता जरूर है कि टाइम खराब होगा या पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय खर्च हो रहा है या कुछ भी ऐसा है, पर ऐसा नहीं है। उसको पढ़ने में अगर आप सही से समझ देंगे तो बाकी के प्रश्नों को आप बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट यह है कि गद्यांश में वर्णित महत्वपूर्ण विचारों एवं विशिष्ट शब्दों को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। मीन्स जो भी उसमें इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं या इम्पोर्टेंस इमोशंस हैं, उनको ज़रूर हमको पढ़ना चाहिए और ढूंढने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट। हम लोग कई बार इस चीज़ को लेके मतलब गलती कर बैठते हैं कि पता नहीं प्रश्न कहाँ से पूछ लिए गए होंगे गद्यांश में, पर होता क्या है कि सभी गद्यांश में प्रश्न गद्यांश के भीतर से ही होते हैं। कहाँ से? गद्यांश के भीतर से ही सभी प्रश्न होते हैं। तो अगर उनको सही तरीके से सोचकर, क्या है, मन से एकाग्र होकर अगर हम प्रश्नों को ढूंढेंगे तो सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर वहीं मिल जाते हैं। और कई बार गद्यांश को एक से दो बार तीन बार पढ़ना पड़ता है तो प्रश्न हमको मिल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद चौथा पॉइंट आता है कि अवबोध के प्रश्नों में गद्यांश के शीर्षक संबंधी प्रश्न भी पूछे जाते हैं। किसका शीर्षक क्या होना चाहिए? ठीक, चौथा पॉइंट है कि अवबोध के प्रश्नों में कई बार क्या होता है कि शीर्षक संबंधी प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर वो होता है कि जो गद्यांश में मूल भाव है या जो गद्यांश वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो उसी से शीर्षक को बनाया जाता है। फिर आता है पांचवा पॉइंट, हमेशा रेखांकित पंक्तियों और शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। किसको? रेखांकित पंक्तियों को और शब्दों को, रेखांकित पंक्तियों को और शब्दों को हमेशा ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। और छठवां होता है प्रश्न पत्र में पूछे जाने वाले व्याकरण संबंधी प्रश्नों को हल करने के लिए व्याकरण का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। मतलब हमको पठित गद्यांश की जब तैयारी करनी है तो व्याकरण जरूर पढ़नी है, और ये होगा प्रैक्टिस के टाइम। इसको आप उसी समय पढ़ नहीं सकते हैं क्योंकि कई बार गद्यांशों में पूछ लिए जाते हैं उससे संबंधित कि इसका विलोम शब्द क्या होगा या कौन सा विशेषण है या इसमें कौन सी एकांकी है कि कहानी है क्या है। तो बहुत सारे प्रश्न गद्यांशों से बनाए जाते हैं और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक होता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाए जा सकते हैं, पर हम लोग अपनी ही गलतियों के कारण इन सब चीज़ों से अनभिज्ञ या दूर रह जाते हैं और गलतियाँ कर देते हैं। तो हमको ये चाहिए कि सबसे पहले अच्छी तरीके से उसको पढ़ लिया जाए और उसमें जो भी महत्वपूर्ण विचार हैं या विशिष्ट स्पेशल शब्द जो दिए गए हैं उनको ध्यान दिया जाए। सभी प्रश्न गद्यांश के अंदर के ही होते हैं, ठीक है, और इसका शीर्षक भी उसी में से बनाया जाता है जो भी आपको अंदर बताया गया होगा। ठीक है, रेखांकित शब्द हो, कोई चीज़ स्पेशल तरीके से लिखी हो, अपोस्ट्रॉफीज में लिखी हो, तो उनको ध्यान से पढ़ना चाहिए। और व्याकरण जरूर पढ़ के जाना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत ही हल्की फुल्की व्याकरण पूछी जाती है, पर क्योंकि अगर हमने व्याकरण कभी नहीं पढ़ी होगी तो ये प्रश्न हमारे लिए सॉल्व करना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो ये था कि आप हिंदी के अपठित गद्यांशों को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो और एक चीज़ और है कि आप जिस परीक्षा को देने जा रहे हैं उस परीक्षा में पहले जो पूछे गए हैं, जो ओल्ड पेपर हुए हैं, उनमें जो भी आपके अनसीन आ चुके हैं या जो भी आपके अपठित आ चुके हैं उनको जरूर देखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर पेपर्स में जो भाषा होती है भाषा सेम ही होती है, तो हम लोग ये पहले से समझ सकते हैं कि इसकी भाषा क्या होगी या किस तरीके के पद्यांश पूछे जाते हैं, उससे प्रश्न किस तरीके से बनाए जाते हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी कठिन होती हैं कि मान लीजिए आपने, अब क्योंकि ये अपठित होता है तो कोई कहीं से भी बना सकता है, तो कई बार हम लोग उसके लेखक के नाम पूछ लिए जाएँ तो नहीं बनते हैं। तो इस चीज़ का कोई उपाय नहीं है क्योंकि सब कुछ पढ़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, 2-4 हज़ार किस्म के आप चाहें पढ़ के जाएँ भी, मान लो वो ना पूछा गया तो उसमें परेशान भी नहीं होना है कि एक प्रश्न नहीं बना तो आप बैठे हैं उसी को लेके, तो ये चीज़ भी नहीं करनी है। पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को समझ कर हमको इसके उत्तर देने हैं। तो और अपठित पद्यांश भी इसी तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। पद्यांश मतलब जो कविताएं होती हैं, उसमें भी क्या है, उसके मूल भाव को समझ लेना चाहिए। ठीक है, और हर प्रश्न का उत्तर देते समय हमें मूल भाव ध्यान में रखना चाहिए। तो
मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अपठित गद्यांश या पद्यांश से संबंधित सभी आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। इसका सबसे महत्वपूर्ण तरीका यही है कि इसको बहुत सही तरीके से पढ़ा जाए और फिर उसके उत्तर दिए जाएँ, उसमें हड़बड़ी या जल्दबाजी ना की जाए। ये पद्यांश और गद्यांश वैसे भी जल्दी हो जाते हैं, पर हम लोग बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करने के चक्कर में उसको गलत कर लेते हैं, जो कि हमको नहीं करना है। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।